भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खत्म हो चुकी है। सीरीज का आखिरी मैच रविवार को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था। भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। इस मैच के बाद कप्तान विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री के घर डिनर पर गए। सुनील छेत्री की पत्नी सोनम ने इंस्टाग्राम पर इस डिनर की एक फोटो शेयर की। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। इसके बाद वो पत्नी अनुष्का के साथ छेत्री के घर गए। सोनम ने इंस्टाग्राम पर चारों की फोटो शेयर करते हुए बहुत प्यारा सा कैप्शन लिखा। उन्होंने लिखा, कोई फोन नहीं जब तक हमने इस फोटो को क्लिक करने के लिए फोन नहीं उठाया, घड़ी पर कोई नजर नहीं, बस ये 4 अलग अलग तरह के लोग हर तरह की बातें करते रहे। आप दोनों के डिनर की मेजबानी करके बहुत अच्छा लगा, आप दोनों शानदार लोग हैं। सोनम के इस फोटो पर अनुष्का शर्मा का कमेंट आपका दिल जीत लेगा। अनुष्का ने कमेंट में लिखा, हमने बहुत अच्छा समय बिताया, अगली बार आप हैरान मत होना अगर हम बिना इनविटेशन के आपके घर पहुंच जाएं। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 286 रन बनाए। स्टीव स्मिथ ने 131 रनों की और मार्नस लबुसैन ने 54 रनों की पारी खेली। भारत की ओर से मोहम्मद शमी ने 4 विकेट लिए। जवाब में भातर ने 47.3 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 289 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। रोहित शर्मा ने 119 और कप्तान विराट कोहली ने 89 रनों की पारी खेली।